Yeah, be hell yes, that was better. Yo yo. How to wheelie? मैं आज आपको सिखाऊंगा wheelie. Corona हो या wheelie, I'm gonna go out and gonna make a tutorial. कैसे करें wheelie? वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूट्यूबर हैं या मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स चलाते हैं तो ट्यूबबडी आपके लिए सही एक्सटेंशन है जिसमें आपको यूट्यूब के लेटेस्ट अपडेट्स, कॉपी वीडियो टैग्स, एडवांस वीडियो मेंड ऑप्टिमाइजेशन जैसे कई बेहतर ऑप्शंस हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है मात्र 686 रुपये में. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड गो ग्रीन प्रतीक आ गया हूँ न्यू वीडियो लेके हाउ टू विली. वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में हम फ्री गिव अवे दे रहे हैं. ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ हम आपको साइकिल के पार्ट्स, BMX के पार्ट्स, स्टंट पार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं. सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. चलिए शुरू करते हैं. विली का सबसे पहला स्टेप राइट पॉइंट, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी को आपने ट्रिगर करना है, ढूंढना है. साइज के साथ मैं आपको समझाऊंगा. ये पॉइंट ए है, इस जगह से लेकर हम पॉइंट बी तक जाएंगे जो कि ये है, इतना डिस्टेंस है. और अब इससे अराउंड पॉइंट बी लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे एक टारगेट बनता है कि मुझे उस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक आना है. राइट, द फर्स्ट स्टेप जो आपको ध्यान में रखना है. सेकेंड स्टेप आता है टेक्निक्स और हमारे गेम का. वीली स्टार्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप सीखना चाह रहे हैं, अपनी फिटनेस पे ज़रूर ध्यान दें. आपके फोर आर्म्स और आपके जो बाइसेप्स हैं इनमें थोड़ी एनर्जी भर लें, पुशअप्स करें 20 to 15, ये बहुत ज़रूरी है, शायद कोई भी नहीं बताता. उसके बाद शुरू करें, बिकॉज मसल में आपके फोर आर्म्स में पूरी एनर्जी फ्लो कर रही होती है. ठीक है, 5% बेनिफिट मिलेगा फ्रंट व्हील को मैनेज करने के लिए, फ्रंट व्हील को समझने के लिए कि ये जो आगे का पहिया है कैसे इसको संभालना है. ठीक है, सबसे पहले आपको फ्रंट व्हील को उठाना है धीरे धीरे. I don't think so. सच्ची में चलिए वापस ध्यान दें. राइट, और हल्के हल्के स्टेप्स लेने हैं, जैसे पैडल्स को अप चक के पैडल्स का बैलेंस को समझना है. मेन होता है इसके पैडल्स की आपको ग्रिप पकड़ के रखनी है, बार्स है इनको कंट्रोल करके रखना है ताकि ये नहीं, मतलब उस पर ग्रिप रहनी चाहिए आपकी, अच्छी स्टिफ नहीं होनी चाहिए लेकिन अच्छी ग्रिप रहनी चाहिए. आपके आर्म स्टिफ नहीं रहेंगे, स्ट्रेट नहीं रहेंगे, बस बेंड रहेंगे हल्के से और आगे कुछ जाएंगे. ठीक है, क्या स्टार्ट इससे करें. उसके बाद आप आइए, जब आप थोड़ा सा बैलेंस समझ आ जाए, जब थोड़ा सा विली हल्की सी थोड़ी सी 1 feet 2 feet तक आगे जाने लग जाए, बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए कई बार क्या होता है जो नए स्टार्टर्स होते हैं उनका क्रैश होने के चांसेस रहते हैं, तो पहले सीखिए टेक्निक गिरने की. ठीक है, और अगर आपको अभी भी चैलेंज आ रहा है तो हाउ टू मैनुअल हमने वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पर मैं आई बटन पर आपको दे दूँगा, वो देख लीजिएगा. वो विली से थोड़ा सा आसान लेवल है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना पैडल के कैसे मैनुअल करें. किसी भी साइकिल पे विली स्टंट सीखने से पहले आपको कला आनी चाहिए कि गिरना कैसे है, बचना कैसे है गिरने से, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई है. पहले इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, उसके बाद विली को पूरे कमिटमेंट 100% ट्राई करें, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी समझ जाती है और सारी मसल मेमोरी उसमें स्टोर हो जाती है. ठीक है, सारे स्टेप्स सीख लेंगे, ध्यान में रख लेंगे, उसके बाद आप विली को जब करेंगे तो बहुत ही बेहतर विली कर पाएंगे. तो ध्यान किसका रखना है, फोर आर्म्स आपकी ज़्यादा स्टिफ ना रहे, हैंडल का ग्रिप और मजबूत रखना, और पैडल्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. पैडल की मोमेंटम, 3-4 पैडल चलाएं उसके बाद फ्रंट व्हील गिर जाएगा, फिर 3-4 चलाएं फिर गिरेगा, फिर 3-4-5-6-10 चलाएं फिर गिरेगा. ऐसे ही करते करते आप रुकिए मत, जिस दिन आप ये ट्राई कर रहे हैं उस दिन इसको लगातार एटलीस्ट मैं कहूँगा कम से कम 2 से 3 घंटे तो दें ताकि उसका मोमेंटम बन जाए. तो उसके बाद जब आप अगले दिन ट्राई करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा वीली करना. तो ट्रैक है उसको आप बिल्कुल मेंटेन रखिए, बीच में ना ज़्यादा पीछे जाना है ना ज़्यादा आगे. हाँ, स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा आगे जाके समझ सकते हो वीली को, हल्का सा टायर आगे जाके गिर जाएगा. तो ये था वीली, और लास्ट में अब मैं आपको बताना चाहूँगा, हम दे रहे हैं ओडिसी स्टैम्प, BMX स्टैम्प, स्टंट साइकिल स्टैम्प दे रहे हैं. सो स्टैम्प जीतने के लिए क्या करना है, इस वीडियो को नीचे जाके आप शेयर बटन देखेंगे, वहाँ शेयर पे क्लिक करें, उसके बाद हमें टैग करें राइट BMX इंडिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा. ठीक है, सेकंड हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हम ये पोस्ट डालेंगे, वहाँ पर 5 फ्रेंड्स को टैग करें, कमेंट करें ये स्टैम्प आपको क्यों चाहिए और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस, कितनी ज़्यादा आपके लिए इसकी वैल्यू है वो बताएँ.
और वहीं से ही हम इस गिव अवे का आपको विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपको इसकी अनाउंसमेंट करेंगे और आप विजेता जो विजेता होगा उसको ये उपहार मिलेगा बिल्कुल फ्री। ऑल यू गॉट टू डू कि आपको सिर्फ हमें डिलीवरी के पैसे देने हैं, ओनली डिलीवरी चार्जेस। आई लव फ्री गिव अवेज, दैट्स माय न्यू चैनल बैनर। वेरी गुड, तो ये था हाउ टू विली। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आप विली को सीखने में थोड़ा चैलेंज आ रहे हैं, यहाँ पर हमारी वीडियो है हाउ टू मैनुअल की, इधर आप देख सकते हैं। और अगर आप हाउ टू उसके बारे में सीखना और डीप में चाहते हैं, यहाँ पर हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हाउ टू वीडियोज़ की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कृपया शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, रिमेंबर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग। How to Wheelie के बाद अब देखें कैसे करें डॉग वीलिंग।